बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम है हसन बिलाल चौधरी और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल में एक नई वीडियो के साथ। वीडियो में आज बात करूँगा अल मिज़ान इन्वेस्टमेंट के कमोडिटी फंड्स में मिज़ान गोल्ड फंड के हवाले से, जहाँ खुशखबरी है और मुनाफा रेट्स में बड़ा इजाफा हो गया है। आपको बताऊँगा कि अब 1 लाख पर आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, इसके रेट्स आपको दिखाऊँगा मैं, लाइव कैलकुलेशन करके दिखाने वाला हूँ और ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, स्ट्रेटजी की बात करेंगे, प्रॉफिट एट ग्लांस की बात करेंगे और इसके अलावा आपको फंड फैक्ट्स के हवाले से मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में मिलने वाली है। जल्दी से आपने मेरे चैनल हसन बिलाल चौधरी को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है, शेयर भी करना है, क्योंकि कमाल की वीडियो है और मिज़ान इन्वेस्टमेंट के जितने भी फंड्स हैं वो सिक्योर हैं, यहाँ आपकी लगाई हुई सरमायाकारी मुकम्मल तौर पर महफूज रहती है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेता हूँ जनाब। मिज़ान गोल्ड फंड एम्स टू प्रोवाइड मैक्सिमम एक्सपोजर्स टू प्राइस ऑफ गोल्ड इन शरिया कंप्लाइंट इस्लामिक मैनर्स बाय इन्वेस्टिंग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द फंड्स नेट एसेट इन डिलीवरेबल गोल्ड बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल ऑन पाकिस्तान मर्सेंटाइल एक्सचेंज। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपकी जो लगाई हुई सरमायाकारी है वो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट की जाती है, लेकिन उसमें भी शरिया कंप्लाइंट का असूल रखा जाता है और कोशिश की जाती है कि सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यानी कि आगे जो बैंक आगे के कहीं पर भी सरमायाकारी करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड के अंदर सरमायाकारी करे। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर गोल्ड के रेट जो है वो बड़ी तेज़ी से फ्लक्चुएट होता है, यानी कि अभी पिछले 3-4 सालों से रेट ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं और इसका प्रॉफिट रेट इतना ज़बरदस्त है कि यहाँ पर अब लोग बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसकी स्ट्रेटजी की बात कर लेता हूँ जनाब। टू मीट फंड्स इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स एट लीस्ट 70% ऑफ द फंड्स नेट एसेट्स विल रिमेन इन्वेस्टेड इन डिलीवरेबल गोल्ड बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल एट अ कमोडिटी एक्सचेंज ड्यूरिंग द ईयर बेस्ड ऑन क्वार्टरली एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटेड ऑन अ डेली बेसिस। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 70% जो आपकी सरमायाकारी है वो बैंक फौरी तौर पर आपकी लगा देता है जनाब गोल्ड बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, और उसके साथ साथ वो कह रहा है कि ऐसी जगह पर सरमायाकारी की जाती है जहाँ पर कम अज़ कम क्वार्टरली और एवरेज इन्वेस्टमेंट के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर आपको प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती रहे। तो मतलब यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि बड़ी सरमायाकारी हो और ऐसी सरमायाकारी हो जो रोज़ाना की बुनियाद पर आपको प्रॉफिट भी दे सके और सारी की सारी 70% कम अज़ कम जो है वो सरमायाकारी गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट हो। फिर वो कह रहे हैं कि रिमेनिंग नेट एसेट्स ऑफ द फंड शैल बी इन्वेस्टेड इन कैश एंड नियर कैश इंस्ट्रूमेंट विच इंक्लूड कैश एंड बैंक अकाउंट्स, इस्लामिक अकाउंट्स एंड लाइसेंस्ड इस्लामिक बैंकिंग विंडो ऑफ कन्वेंशनल बैंक एक्सक्लूडिंग TDR। हाउएवर एट लीस्ट 10% ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द फंड्स shall remain invested in cash and near cash instrument based on monthly average calculated on a daily basis। अब ये दूसरी चीज़ सुन लें कि एक तो वो कह रहे हैं कि बाकी जो आपकी सरमायाकारी है वो बैंक इन्वेस्ट कहाँ पर करेगा, इस्लामिक बैंकिंग विंडो के अंदर, इसके अलावा कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर करेगा, लेकिन उसमें वो कह रहा है कि TDR के अंदर कतन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। और साथ ही आपको ये भी कह रहा है कि 10% जो आपकी सरमायाकारी है वो शैल रिमेन इन्वेस्टेड इन कैश एंड नियर कैश इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो फौरी तौर पर पैसे भी निकलवा लेते हैं या इतना ज़्यादा वेट नहीं करते, तो उनकी को मलूजे खातिर लगते हुए बैंक 10% जो है वो अपने पास कैश की सूरत में भी रखेगा। अब आपको बता देता हूँ जनाब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, फिर इसकी कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिविजिबल यूनिट्स विद लो इनिशियल मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिक्वायरमेंट। यहाँ पर यह नहीं है कि आपको कोई 10-15-20 लाख से स्टार्ट करना पड़ेगा, आप 5,000 से यहाँ पर सरमायाकारी आसानी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी विदाउट हैजल ऑफ बाइंग स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग फिजिकल गोल्ड। अब ये भी नहीं है कि आपको जो है वो स्टोर करना पड़ेगा, गोल्ड को खरीदना पड़ेगा, फिजिकल अपने पास रखना, ऐसा कुछ नहीं है, ये बैंक सारा कुछ करेगा आपके बिहाफ पे। और फिर कह रहा है कि एन इफेक्टिव हैज अगेंस्ट राइजिंग गोल्ड प्राइसेस फॉर लॉन्ग टर्म परचेज ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। यहाँ पर याद रखें अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे जाते हैं 2-3-4-5 साल की, तो भाई वहाँ पर प्रॉफिट मिलने के बहुत ज़बरदस्त चांसेस है। अ कन्वीनियंट मीन्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन फॉर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। अब यहाँ पर वो कहा मतलब आपको ऊपर बता दिया है कि आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सीफाई किया जाता है, पोर्टफोलियो को मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ जगहों पर लगाया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाता है, यही बात कर रहे हैं। फिजिकल प्रोफेशनल ऑफ योर सेविंग्स बाय एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। बैकएंड पे पूरी टीम है जो आपके सारा कुछ देख रही है, आपके ट्रैक रिकॉर्ड, आपकी सारी चीज़ों को संभाल रही है। अंडर द सुपरविजन ऑफ रिप्यूटेबल शरिया एडवाइज़र है इनका, उनके तहत ये काम कर रहा है। उसके अलावा आपको बता दूँ क्यों चूज़ करें इसको, कैपिटल एप्रिसिएशन ओवर द लॉन्ग टर्म, अगर आप लंबे अरसे के लिए अपने सरमाए को मतलब बढ़ावा देना चाहते हैं फिर इसको चूज़ करें। हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन ऑफ करेंसी डिवेल्यूशन, अगर आपकी प्राइसेस, आपको पता है कि मुल्क के अंदर अब क्या प्राइस है 1 लाख की और इससे आज 5 साल पीछे चलेंगे तब 1 लाख की कितनी वैल्यू थी, तो अगर आप उसको बैलेंस रखना चाहते हैं तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी अमाउंट को जो है वो हैसल फ्री बना सकते हैं, यानी कि टेंशन फ्री, और अपनी डिवेल्यूशन होने से करेंसी को बचा सकते हैं। अच्छा, फंड फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बता दूँ ये ओपन एंडेड फंड है, कमोडिटी फंड के अंदर आता है इसकी कैटेगरी, और लॉन्च किया गया था 2015 में और अब तक 1,895 मिलियन की सरमायाकारी, यानी कि 1.8 बिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पर लोग सरमायाकारी कर चुके हैं। ये July 31, 2024 के फैक्ट्स हैं। अब यहाँ पर बेंचमार्क सुन लें जनाब, 70% तो आपका सरमाया गोल्ड के अंदर लगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 3 मंथ्स एवरेज
डिपॉजिट रेट्स कम से कम आप 3 महीने यहाँ पर रखेंगे तो फिर आपको अच्छा प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसको 1, 2, 3 साल तक लेके चलें, फिर ज़बरदस्त प्रॉफिट मिल सकता है आपको। रिस्क थोड़ा हाई है इसलिए क्योंकि ये गोल्ड बेस जो है वो एक प्रोडक्ट है, एक फीचर है, तो इसमें जो है वो रिस्क इसलिए हाई है क्योंकि प्रॉफिट बहुत हाई है, और प्रॉफिट हाई होने की वजह से ये भी होता है कि बाज़ अवकात कोई मार्केट इस तरह डिवेल्यू ना हो जाए कि आपकी कीमत बिल्कुल ज़मीन पे आ जाए, तो इसलिए उसको हाई रिस्क पे रखा हुआ है। उसके अलावा कुछ डिफरेंट फैक्ट्स हैं, इसके अलावा ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है और AM1 कैटेगरी से इसको नवाजा गया है। ये तमाम हो गए जनाब इसके फंड एंड फैक्ट्स के हवाले से। अब मैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ जाने से पहले आपको प्रॉफिट रेट दिखा देता हूँ। मैं इस वक्त हूँ पाकिस्तान म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर और यहाँ पर लाइव आपको मैं दिखाता हूँ बिल्कुल लेटेस्ट दिखा रहा हूँ कि कितना आपको मिल सकता है। यहाँ पर हम टाइप करते हैं जी मिजान गोल्ड और इसको एंटर कर देते हैं। मिजान गोल्ड के ऊपर आ गए हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखें जी 5 सितंबर 2024 के रेट्स हैं। 3 सालों का आप रेट देख लें आपके सामने है, 117% यानी कि 3 गुना से भी ज़्यादा 2 सालों का आपके सामने है और साल का आपके सामने है। इसी तरह नीचे आते जाएंगे तो इसलिए मैंने आपको कहा कि कम से कम कोशिश करें साल से ऊपर रहें और आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो भाई यहाँ पर आसानी के साथ आप 35, 40, 50% तक भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा वेट करेंगे, सब्र करेंगे, अपनी रकम को थोड़ी देर के लिए, थोड़ी मुद्दत के लिए यहाँ पर होल्ड करके रखेंगे तो बड़े प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं। अच्छा यहाँ पर देखें, अगर सपोज़ कर लीजिए आप 1 साल के लिए भी जाते हैं या 2 सालों के लिए जाते हैं तो फिर तो आपका प्रॉफिट बहुत कमाल का दे रहे हैं, 76.99% पर चला गया है। और अगर आप इसकी ईयर टू डेट रहते हैं या फिर अगर आप यहाँ पर 1 साल के लिए रहते हैं तो भाई 21.11% के हिसाब से है। तो हम इसको एवरेज कर लेते हैं जनाब, आप समझ लें कि 30 से 35% ईजिली आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकता है। तो यहाँ पर मैंने गूगल कैलकुलेटर को ओपन कर लिया और गूगल कैलकुलेटर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ 1, 5, 10, 50 लाख पर कितना प्रॉफिट मिल सकता है। मेरे चैनल हसन बिलाव चौधरी को लाजमी देखना और सब्सक्राइब भी करना है। तो यहाँ पर जनाब 1 लाख रुपये की डिनोमिनेशन आ गई है, मल्टीप्लाई कर देते मैं एवरेज के तौर पर ले रहा हूँ जनाब, 35 तकसीम कर देता हूँ 100 के ऊपर। यहाँ पर देखें जनाब आप 35,000 रुपये का प्रॉफिट तकसीम कर देते हैं 12 के ऊपर, भाई पर मंथ जो है वो 2916 रुपये पे चला गया है यहाँ पर प्रॉफिट। मल्टीप्लाई दोबारा 12 कर देता हूँ तो ये आपका आ गया पूरे साल का 35,000 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, अब आपकी सरमायाकारी है जी, सपोज कर लीजिए 5 लाख रुपये आप लगा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 35 तकसीम कर देता हूँ 100 के ऊपर और ये आपके पास आ गया, तकसीम कर देता हूँ 12 के ऊपर, तो ये आपके पास पर मंथ जो है वो 5 लाख रुपये 14,583 रुपये आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 12 और पूरे साल का आपको जो प्रॉफिट दे रहे हैं जनाब 1,75,000 रुपये। 5 लाख लगाकर 1,75,000 आपको रिटर्न भी आ रहा है। मल्टीप्लाई अगर मैं 2 करता हूँ तो ये आपके पास आ गया 3,50,000 रुपये 10 लाख के ऊपर। मल्टीप्लाई पर 5 करता हूँ तो 50 लाख के ऊपर 17,50,000 रुपये प्रॉफिट आ रहा है। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि मैंने आपको प्रॉफिट रेट एवरेज में बताया है, मैंने ये नहीं कहा कि 21% है, 76% है, 117% है, ये मैं एवरेज बता रहा हूँ। ये वो प्रॉफिट है जो लोगों ने हासिल किया है 35 से 30% का और उसके मुताबिक मैंने आपको निकाल के दे दी है। अब आपने अपना प्लान करना है कि आप 3 महीने के रेट पे जाते हैं, वहाँ पर कम है ऑब्वियसली, 13.61 पर रह गया, बहुत ही कम है। उसके अलावा अगर ऊपर आएंगे मजीद बढ़ता जाएगा और आपके सामने ये रेट जो है वो एंड पे कितना बड़ा बढ़ा है। तो अगर आप कुछ अरसे के लिए अपनी अमाउंट को होल्ड करके रखेंगे तो फिर बेहतरीन प्रॉफिट मिलने के चांसेस, और मुकम्मल कैलकुलेशन के साथ आपको मैंने समझा दिया। तमाम देखने वालों से मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको ये वीडियो पसंद आई होगी, नए रेट्स के साथ बताया और 1 लाख पर कितना प्रॉफिट मिलेगा ये भी बता दिया है मिजान गोल्ड फंड के हवाले से। तमाम देखने वालों से दरख्वास्त, चैनल हसन बिलाल चौधरी को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।